1200 कुत्तों का दस्ता है, लेकिन अब पहली बार सेना में कर्नाटक के मुधोल हॉर्न्स प्रजाति के कुत्तों को शामिल किया गया है। आतंकवादी और घुसपैठिए 24 घंटे बेकसूरों का खून बहाने के लिए तैयार बैठे हैं और भारतीय सुरक्षा बल 24 घंटे उन्हें नाकाम करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अब भारतीय सेना के पास आतंकवादियों और घुसपैठियों से निपटने के लिए एक नया हथियार आ रहा है। यह हथियार स्वदेशी है, कारगर है, अचूक है। यह है टेररिस्ट के खिलाफ भारतीय सेना की नई टी सीरीज। मेरठ के इस खास ट्रेनिंग सेंटर में डॉग्स को प्राथमिकता दी जाती है। ये टाइगर है और ये इसका साथी टैग। इनके कुछ और साथी हैं तनु, तारुषि, तारजन, टीना, तरुण, तारक, लेकिन वो इस समय कश्मीर में सरहद की निगरानी करने गए हैं। टाइगर भी सरहद पर जाने के लिए बेचैन है। फिलहाल ये अपने ट्रेनर साहू के साथ 1.5 साल तक की गई बड़ी मेहनत की ट्रेनिंग के सबक दोहरा रहा है। भविष्य में इसे लड़ाई के मैदान में उतरना है, जहां हर कार्रवाई बेहद खामोशी से की जाएगी। इसलिए टाइगर को अलग अलग संकेतों से अपने आदेश लेने में महारत है। ये अपने ट्रेनर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है ताकि बारूदी सुरंगों की चपेट में ना आए। पास रहने पर यह अपनी ट्रेनर की आंखों को पढ़कर कार्रवाई करता है। थोड़ी दूर जाने पर कुछ दूसरे इंस्ट्रूमेंट से, जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले देखिए अलग अलग बाधाओं को पार करने में टाइगर की महारत। ये बैटल फिजिकल एफिशिएंसी ट्रेनिंग ठीक उसी तरह है जैसे किसी दूसरे सैनिक की होती है। फर्क केवल यह है कि यह उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन टाइगर के लिए एक खेल है जिससे वो कभी थकता नहीं। हर काम पूरा करने पर उसे इनाम मिलता है, कभी प्यार भरी थपकी और कभी खाने के लिए कुछ, जिसके जिद करने के लिए वो साहू की जेब की तलाशी लेने से भी नहीं चूकता। किसी डॉग के लिए सबसे मुश्किल होता है सीढ़ी पर चढ़ना उतरना और बैलेंस बनाकर दो पट्टियों के बीच चलना, पर इसे सीखना जरूरी है क्योंकि कल उसे मैदान जंग में इन सब का इस्तेमाल करना होगा। देशी होने की वजह से यह बीमारियों का मुकाबला करने और मुश्किलें सहने में बेहतरीन है। सूंघने की जबरदस्त क्षमता इसे विस्फोटकों का पता लगाने में विशेषज्ञ बनाती है। गन पाउडर मिला श्रीमान। ये बहुत वफादार है और ओनर का साथ जो है इनका तालमेल बहुत अच्छा होता है, बहुत पॉजिटिव भी होता है। 3 हफ्ते की बेसिक ट्रेनिंग में डॉग को आदेश मानने के शुरुआती सबक दिए जाते हैं। इसके बाद 36 हफ्ते की ट्रेड ट्रेनिंग होती है। दिन सुबह 6 बजे शुरू होता है जब डॉग्स को उसके केनल से बाहर निकाला जाता है। 6:30 बजे पीटी और 4 किलोमीटर की दौड़, 8:30 बजे 1 घंटे का ब्रेक, 9:30 बजे मालिश। दस बजे खाना और उसके बाद लगातार अलग अलग ट्रेनिंग, जिसमें विस्फोटकों को खोजना, घुसपैठियों का पीछा करना, इलाके की निगरानी करना और हमले में सैनिकों के साथ चलना सीखना शामिल है।
एक मिलिट्री डॉग को एक दिन में 480 ग्राम आटा या चावल, 680 ग्राम मांस या दो अंडे और 1.18 लीटर दूध, 230 ग्राम सब्जियां और 30 ग्राम डॉग बिस्किट दिया जाता है और ये सब साफ सुथरे और आधुनिक कुक हाउस में तैयार होता है। हर डॉग का अपना किट बैग होता है जिसमें उसकी जरूरत का व्यक्तिगत सामान होता है, ठीक किसी सैनिक के किट बैग की तरह। सबसे पहले ये क्लोथिंग है जिनमें हम इनको विंटर के सीजन में खासकर ब्लैंकेट, दरी, जो किट बैग और जो डॉग कोट, ये उन पे एम्फसाइज करते हैं उनको पूरी तरह से जो है गर्माहट के लिए। डॉग कोट पहन के वो काम करेगा? हाँ, डॉग कोट पहन के जैसे हम बाहर लेके जाते हैं तो उस टाइम हम उसको ट्रेनिंग के टाइम उसको निकाल लेते हैं, बाकी टाइम जैसे अभी ये फीडिंग के टाइम या उस टाइम जब बाहर बैठे होते हैं ओपन एरिया में, डे एरिया में, तो उस टाइम में इसको हम कोट को यूज कर। दूसरा जो सेगमेंट आप देख रहे हैं ये है ट्रेनिंग गेट बेसिकली, जैसे इसमें नया डिवाइस हमने अभी इलेक्ट्रिक जो कॉलर हम यूज आजकल करते हैं, एक बहुत नया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है जिसके अलग से डॉग विदाउट लीश जो है डॉग हैंडलर के साथ जुड़ता है, बाकी जैसे ये डॉग की चेन, ये टॉयज हैं जिनके साथ अगर उसको हम रिवार्ड देते हैं, मतलब जैसे प्ले ड्राइव पे अगर हम उसको डॉग को कुछ रखते हैं तो दीज आर सम ऑफ दी आइटम्स फॉर। बिल्कुल शांत है, बहुत कूल है, बिल्कुल बार्क नहीं करते और ये समझिएगा कि बाकी डॉग से इसका जो टेम्परामेंट है बहुत शांत रहता है। डॉग ट्रेनिंग के नए तरीकों में उसे रस्सी से नहीं बांधा जाता, उसे कंट्रोल करने के लिए पास आने पर आंखों से ऑर्डर दिए जाते हैं, थोड़ी दूर जाने पर हल्की सी टिक के सहारे और ज्यादा दूर जाने पर गर्दन में बंधे इलेक्ट्रॉनिक कॉलर में वाइब्रेशन के जरिए। इससे डॉग को 200 से 300 मीटर दूर से भी कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, इसका एक हैंडलर और डॉग का एक बड़ा जबरदस्त रिश्ता होता है, इसका आपके साथ क्या, कितना ये आपसे मोहब्बत करता है? बिल्कुल एक दोस्त की तरह है। बिल्कुल एक फौजी दूसरे फौजी के साथ जैसे काम करते हैं, ये भी एक फौजी की तरह मेरे साथ भी काम करते हैं। अभी जो नई चीज है डॉग्स ट्रेनिंग में, उसमें ये है कि उसको लीश के साथ यानी रस्सी के साथ बांधकर नहीं रखा जाता और कमांड भी आवाज से नहीं दी जाती। दरअसल खासतौर पर जब जंगलों में या आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही होती हैं, उस वक्त सरप्राइज यानी खामोशी से काम करना सबसे जरूरी होता है। इसलिए इन डॉग्स को जो ट्रेनिंग दी गई है वो वॉइसलेस साउंडलेस ट्रेनिंग है। इसके लिए खास किस्म के इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया है। साहु, ये इक्विपमेंट काम कैसे करता है और क्या क्या इसमें कमांड है? ये है इलेक्ट्रिक कॉलर है, रिमोट मेरे हाथ में रहता है और रिसीवर उसकी गले में हम लगा देते हैं। लगाने वाला ये 300 मीटर दूर तक इसको हम काम करा सकते हैं। 300 मीटर दूर के अंदर अगर कमांड हमने दिया आगे जाने के लिए, आगे जो टास्क दिया है वो आधा में हो गया, उससे आगे फॉरवर्ड जाने के लिए उसके लिए हम साउंड का इस्तेमाल करते हैं। साउंड देने से वो फॉरवर्ड आगे हो जाता है, काम आगे करता है। हमको लगता है कि हमारा आवाज उतना दूर तक पहुंचता नहीं है, लेकिन इसके जरिए हम उसको रिटर्न बुलाने के लिए वाइब्रेशन दे के उसको जैसे वाइब्रेशन दिया काम फिनिश हो गया, वो रिटर्न आता है। दूसरे डॉग्स के मुकाबले ट्रेनिंग में इसने कैसा परफॉर्म किया? ये अच्छा स्टूडेंट था, एवरेज था या बिलो एवरेज था? अच्छा था। मेरे इसमें जितने भी डॉग ट्रेन किए उसके अंदर ये अलग खूबी दिखाया, अलग एक्सपीरियंस मिली इसके साथ। कुछ ज्यादा एक्टिविटीज मास्टर के साथ ज्यादा फ्रेंडली उनमें भी होता है, इसमें भी उसी तरह का भी दिखाई दिया। मुढ़ोल को इस तरह से ट्रेन किया गया है कि किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में वो उस आदमी को ढूंढ सकता है जिसके पास विस्फोटक है। लेकिन मुढ़ोल के शो का ग्रैंड फिनाले है ये कारनामा, जिसमें सदियों से उसकी नसों में दौड़ रहे एक शिकारी का पूरा पता चलता है। ये एक बस की छत पर एक शानदार छलांग के साथ सवार होता है, सामने से कूदता है और तेज मोटरसाइकिल पर भागते दुश्मन का पीछा करता है। इस रफ्तार और ताकत का सामना एलओसी पार करने की कोशिश करता कोई घुसपैठिया कर पाएगा क्या? कर्नाटका के एक छोटे से गांव से आए हुए इन शिकारियों ने एक साल की अपनी कड़ी ट्रेनिंग पूरी कर ली है और इस समय ये पूरी की पूरी क्लास जम्मू कश्मीर की सर्दी और बर्फबारी के बीच एलओसी यानी भारत पाकिस्तान सरहद पर अपना फाइनल एग्जाम दे रही है। लेकिन जैसा कि इनके उस्तादों को भरोसा है, मुढ़ोल हाउंड्स ये इम्तिहान बहुत अच्छे नंबरों से पूरा करेंगे। कैमरामैन शेर सिंह के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, मेरठ।